हेलो फ्रेंड, आज मलाई से मक्खन कैसे जल्दी में निकालते हैं वो मैं तरीका आपको बताऊंगी। ये रहा हमारा मलाई, कई दिनों का इकट्ठा हमने किया था। ये रहा हैंड मिक्सर, बहुत ही जल्दी, सच मानिए बहुत ही जल्दी मलाई से मक्खन निकल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। मैंने मलाई ले लिया है, कई दिनों का मलाई है हमारे पास। अब इसको हैंड मिक्सर से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए बहुत जल्दी ये वो हो जाता है, इससे जल्दी निकल जाता है। मथनी से ये है ना, थोड़ा समय लगता है, हाथों में भी दर्द हो जाता है, लेकिन आजकल अच्छा है, कई सारे चीज़ें मार्केट में आ गई हैं जिससे बहुत ही जल्दी काम आसान हो गया है। ये देखिए अब ये टाइट हो गया है। अब और थोड़ी देर इसे हमें चलाना है। देखिए कम से कम ये 5-6 मिनट में आराम से हो गया था, मतलब मान लीजिए 10 मिनट लगा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया। ये देखिए थोड़ा भी मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है, फास्ट थोड़ा मैंने कर दिया है वीडियो को, लेकिन देखिए ये हो गया। अब इसको बहुत आसान से पानी डालिए, हाथों से ऐसे ऐसे मसल लेंगे तो ये निकल जाएगा। ये पानी देखिए, हमारा मलाई मक्खन अलग कर दिया है और जो दूध था उसको अलग कर दिया है। अब इसमें अब हम डालेंगे पानी, अच्छे से इसको साफ कर लेंगे मक्खन को। पहले ऐसे हाथों से इसे कर दीजिए, आप यहाँ पे मथनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ये हो गया है, ये हम पानी दूध ये जो है ना ये गिरा देंगे और ये बहुत ही जल्दी बन के आपका मक्खन रेडी हो गया। देखिए अब इसमें डालेंगे साफ पानी, अब इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। कई पानी से मैंने यहाँ पे 3 पानी से इसको साफ किया था, मतलब 3 पानी डाला और जो ये दूध वाला पानी है वो नीचे गिरा दिया। ये देखिए मैंने 2 पानी से धो लिया, लास्ट पानी से धो रही हूँ। अब ये साफ हो चुका है हमारा मक्खन बिल्कुल। आप ऐसे भी ब्रेड में लगा के खा सकते हो। कई बार धोने से ये होता है ना, थोड़ा दूध की कई दिनों से मक्खन हम लोग ये मलाई फ्रिज में रखते हैं, महक थोड़ा आ जाती है, इससे एकदम महक नहीं आती है कई पानी से धो लेने से। देखिए हमारा मक्खन रेडी हो गया। अब मैं ये घी बनाने के लिए गैस पे इसको रख दी हूँ, धीमी आंच पे इसे हमें बनाना है। अगर आप पास में हो तो धीमी आंच मत कीजिए, थोड़ा सा तेज कर दीजिए। अगर कहीं जाके दूर बैठे हो तो धीमी आंच पे छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए अब बिल्कुल साफ बन के रेडी हो गया आपका घी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को